ये जो नींबू है जो खरबूजा बनने की जो प्रक्रिया जिस तरीके से किया गया है वाकई में ही इतिहास रच दिया है। जी हाँ, YouTube इंडिया यानी कि YouTube चार्ट और भैया नंबर वन पोजीशन। और कौन नंबर वन पोजीशन? जाहिर सी बात है हमारे ट्रेंडिंग स्टार हिट मशीन की साड़ी लाल यादव। जी हाँ, नींबू खरबूजा भइल भैया रिकॉर्ड इस तरीके से बना दिया है कि पूरे इंडिया में जी हाँ डेली टॉप चार्ट ट्रेंडिंग यानी कि जो YouTube पर जो डेली वीडियो देखा जाता है उसमें खेसारी लाल यादव का ये नींबू जो खरबूजा जो हुआ है यानी कि जो नया गाना आया है और ये गाना इस तरीके से तबाही मचा दिया कि भैया YouTube इंडिया के चार्ट नंबर वन पोजीशन पर ये ट्रेंड कर रहा है। अब कहना होगा कि भैया खेसारी लाल यादव का पावर बोलते हैं ख़त्म हो गया। भैया पावर नहीं ख़त्म हुआ है, पावर रीजनरेटर है। और भैया ये पावर जैसे ही आता है वो एकदम चालू हो जाता है, हालांकि थोड़ा सा अब स्लो हो गया है। एक गाने के बाद जो गाने की जो सिलसिला आने का था वो कहीं ना कहीं रुक गया है, लेकिन अभी भी जिस तरीके से सपना चौहान खेसारी लाल यादव और नींबू भर खरबूजा 2 का जिस तरीके से डांस स्टेप दिखाया गया है, यूं कहें तो खेसारी लाल यादव का जो परफेक्ट बॉडी स्ट्रक्चर, जी हाँ परफेक्ट बॉडी स्ट्रक्चर जिस तरीके से खेसारी लाल यादव ने अपने बॉडी ट्रांसप्लांट किया है, जिस तरीके से दिखाया गया है वो वाकई में ही काबिले तारीफ है और इसकी हर कोई चर्चा कर रहा है। सपना चौहान वाकई में ही बहुत ही खूबसूरत लग रही है, बहुत ही प्यारी लग रही है और दोबारा देखने का मन कर रहा है। यूं कहें तो भैया डेली कहीं ना कहीं एक दो बार मैं भी इस गाने को सुन लेता हूं और गाना ही बहुत ही प्यारा है। तो यूट्यूब इंडिया पर यूं कहें तो भैया पूरे ऑल ओवर लैंग्वेज में यूट्यूब इंडिया पर भोजपुरी गाना यानी कि हमारे भोजपुरी सॉन्ग और खास करके खेसारी लाल यादव का जब गाना टॉप 1 पर आता है तो भाई गर्व की तो बात बनती है। तो इसीलिए एक बार फिर से मुझे लग रहा है कि खेसारी लाल यादव के फैंस और यूं कहें तो भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने भी फैंस हैं जो गाना सुनते हैं भोजपुरी गाना, तो एक बार मुझे लग रहा है कि दोबारा अपने अपने सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए और एक बार फिर से ऐसा रनअप बनाइए कि भैया कम से कम 2-4 दिन तो ये नंबर 1 ट्रेंड पर रहे। हालांकि पीछे से अनिल कपूर वाला और रणवीर सिंह वाला जो एनिमल का गाना है वो भी धीरे धीरे ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे लग रहा है उसको पछाड़ते रहे थोड़ा दिन, भी एक दो दिन और टॉप 1 के ट्रेंडिंग पर है तो थोड़ा मजा आएगा। फिलहाल नींबू भर खरबूजा किस किस ने सुना है, कितनी बार सुना है, सॉरी कितनी बार सुना है वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि खरबूजा नींबू वाला जो है वो किस किस ने कितनी बार सुना है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।